भाजपा का अपनो राजस्थान अभियान 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत, आदिवासियों, किसानों और युवाओं पर होगा मुख्य फोकस। अजय आलोक और प्रत्युष कंठ होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोनों को राष्ट्रीय प्रवक्ता किया नियुक्त। बिहार की जातिगत जनगणना डेटा पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, भाजपा पर साधा निशाना, लिखा जातिगत जनगणना होना जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी सरकार द्वारा पूर्व में बंद की गई योजनाओं को गिनाया, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर किया पलटवार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 2 दिवसीय बाड़मेर दौरा, भामाशाह तन सिंह चौहान के श्राद्ध कार्यक्रम में हुई शामिल, बाड़मेर में ही रात्रि विश्राम प्रस्ताव। भीलवाड़ा में गाचा समाज के लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, गंगापुर में कब्रिस्तान की जमीन देने की उठाई मांग, एसडीएम ऑफिस के बाहर गाचा समाज ने दिया धरना। खंडेला पुलिस के हत्थे चढ़े चोर, पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गैंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे आरोपी। जोधपुर के लूणी की जीआरपी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया दस्ताब, बाड़मेर कोतवाली पुलिस को सौंपा, 2 दिन पहले ही बाड़मेर से रुपए लेकर हुई थी फरार। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का नाथद्वारा दौरा, श्रीनाथ जी भोग आरती झांकी में किए दर्शन। आबू रोड में सदर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जब्त की कार। सुमेरपुर में युवक से मारपीट का मामला आया सामने, मीणा समाज ने थाने पर किया प्रदर्शन, आरोपियों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग, घायल युवक की हालत गंभीर। बीकानेर के कोलायत विधानसभा में विकास कार्यों की सौगात, 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने किया लोकार्पण शिलान्यास। माउंट आबू के नवल नगर के पास कुएं में गिरा युवक, मिर्गी के दौरे आने से अचानक कुएं में गिरा युवक, इलाज के दौरान युवक में दम तोड़ा। अनुपगढ़ के घरसाना में नई धान मंडी में नरमे की ढेरी में लगी भीषण आग, आग से आधे से ज्यादा नस्मा जलकर हुआ राख, तो स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू। धौलपुर में अवैध शराब ले जाने वाले के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक गिरफ्तार, शराब के 7 पौवे किए जब्त। डूंगरपुर के रामगढ़ में नाबालिग छात्रा से सेल्फास की गोली खाकर की आत्महत्या, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू, मृतका के पास से नहीं मिला सुसाइड नोट। डूंगरपुर के देवडा में बाइक चालक ने स्कूटी को मांगी बारी, जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार शिक्षक की मौत, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। भीलवाड़ा में असामाजिक तत्वों की साजिश नाकाम, उदयपुर से जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर रखे पत्थर, लोको पायलट की सजगता से घटना चली। बांसवाड़ा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब से भरे पिकअप को पकड़ा, करीब 8,87,841 रुपए किए जब्त। झुंझुनू के भैसावता खुर्द के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत। धौलपुर में अनियंत्रित होकर परचून से भरा ट्रक पलटा हाईवे पर, 2 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में करा भर्ती। अजमेर में गांधी जयंती पर ड्राई डे के दिन आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 21 लाख रुपए की शराब की गई जब्त, 223 पेटी अवैध शराब से भरा ट्रक किया जब्त, 2 गिरफ्तार। दौसा के महुआ में चुनाव से पहले नेताओं का अजब गजब अंदाज, थाने के बाहर विधायक ने चमकाए राहगीरों के जूते, 2018 के चुनाव में भी की थी विधायक ने जूतों की पॉलिश। डूंगरपुर में खोकरा मोबाइल हत्याकांड का मामला, अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या, आरोपी ने रस्सी से गला घूट कर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदी ने खाए कांच के टुकड़े, तबियत बिगड़ने पर करवाया जनरल अस्पताल में भर्ती, फिलहाल कैदी की हालत खतरे से बाहर। कोटा के केशवपुरा में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने मशक्कत के बाद पाया काबू, तो दुकान में रखा हुआ सामान जलकर हुआ राख। खैरतल के तिजारा में महिला खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में कुल 83 महिला प्रतियोगियों ने लिया भाग। हिंडौन सिटी में यूनियन बैंक की शाखा में कर्मचारियों ने किया गबन, 2 बैंक कर्मचारियों ने मिलकर जुए में उड़ा दिए बैंक के 41 लाख रुपए, बैंक मैनेजर जितेंद्र मीना ने कराया मामला दर्ज। जयपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान, निकाय और कर्मचारियों का किया सम्मान, मंत्री धारेवाल ने किया सम्मान, जयपुर विकास प्राधिकरण में हुआ आयोजन।
भरतपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। संभाग के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का किया लोकार्पण। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी रहे साथ। हनुमानगढ़ के रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का विरोध। वार्डवासियों ने बीच में रुकवाया मोबाइल टावर का कार्य। वार्डवासियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का नाथद्वारा में स्वागत। पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। वल्लभ विलास में चल रही श्रीमद भागवत कथा में लिया भाग। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर सीएसटी की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा करोड़ों की कीमत का तस्करी का सोना। करीब 7,50,00,000 रुपए का पकड़ा गया सोना। 6 लोगों को भी लिया हिरासत। खाजूवाला को बीकानेर में रहने के संकेत। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने उठाई मांग। खाजूवाला चित्तरगढ़ में 56 दिनों से चल रहा था जन आंदोलन। नीमका थाना में कांग्रेस विकास यात्रा का पांचवा दिन। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने किया सभा को संबोधित। जन कल्याणकारी योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी। पाली के बारे में कृषि बेरे पर अजमर देखने से मचा हड़कंप। किसान परिवार ने स्नेक कैचर को मौके पर बुलाकर सुरक्षित वन में छुड़वाया। देसूरी पंचायत समिति का है पूरा मामला। पाली के बाली में मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। मतदान करने के लिए किया गया प्रेरित। पाली के बाली में चलाया विस्तृत सफाई अभियान। विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने किया श्रमदान। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत किया गया श्रमदान। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह सहित कई अधिकारीगण रहे साथ। 2 मिनट का मौन रखकर किया गांधी जी को याद। ब्यावर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी से लदा डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। खनिज विभाग ने बजरी माफिया पर लगाया 5,00,000 का जुर्माना। श्रीमाधोपुर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से हुआ आयोजन। एसडीएम सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। झुंझुनू में चारे से भरी पिकअप में लगी भीषण आग। तो आग लगने से चारा जलकर हुआ राख। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद पाया काबू। डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से चलने वाली 8 रेलगाड़ियों का समय सारणी में हुआ परिवर्तन। अब रेलवे स्टेशन पर 5 से 20 मिनट पहले आएगी ट्रेन। झुंझुनू कर्ती कार्यालय बीकानेर शिफ्ट कराने की कवायद का विरोध। डायरेक्टर रिक्रूटिंग ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र। शिफ्टिंग के प्रस्ताव को लेकर पूर्व सैनिकों में विरोध। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका के सूचना बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने पोता रंग। पालिका अध्यक्ष और ईओ ने सख्त कार्रवाई की कही बात। करौली में अवैध हथियारों के खिलाफ जीएसटी की टीम बड़ी कार्रवाई। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित एक गिरफ्तार। जीएसटी प्रभारी कैलाश गुर्जर ने दी जानकारी। अजमेर में चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। चेन और बाली झपटकर भागे बाइक सवार चोर। आरोपियों की तलाश बढ़ा जा रही। अजमेर के सुभाष नगर में चोरों ने सोने मकान को बनाया अपना निशाना। लाखों के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में कैद की पूरी वारदात। जोधपुर में अवैध गैस रेफलिंग कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने 100 से अधिक गैस सिलेंडर किए जब्त। तो वहीं डीसीपी पूर्व अमृता द्रहन के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ के खानपुर में सच बेधड़क के नाम पर फर्जी पोस्ट वायरल। शरारती तत्वों ने की फर्जी पोस्ट वायरल। सरपंच पति की सुपारी देने की एडिट की हुई फर्जी पोस्ट वायरल। बांसवाड़ा में 2 गुटों में झड़प। युवक पर कुल्हाड़ी से हमला। युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घाटोल थाना क्षेत्र के कुहानिया गांव का है पूरा मामला। अजमेर के पिस्तांगन का ऐतिहासिक केशलोलाब तालाब बना कूड़ादान। अनदेखी के चलते बिगड़े तालाब के हालात। तालाब क्षेत्र में परसने लगा गंदगी का आलम। टोडा भीम में महात्मा गांधी जयंती पर स्वच्छता की जगाई अलख। नगर पालिका अध्यक्ष अमृता मीणा ने की मोहल्ले में सफाई। कस्बे के लोगों को स्वच्छता के लिए किया गया जागरूक। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित पिकअप ने टेम्पो को मारी टक्कर। तो सवारियों की चीख पुकार सुनकर दौड़े लोग। युवक की मौत। खेड़ली में जैन समाज के दशलक्षण पर्व का विधिवत समापन। दिगंबर जैन समाज के लोगों ने निकाली रथ यात्रा। शहर में जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। डीडवाना के डसाना में बुलेरो कैंपर गाड़ी लूटने का मामला आया सामने। रास्ता रोककर चालक से की मारपीट। आपसी लेनदेन का बताया जा रहा है पूरा मामला। सिरोही के शिवगंज में मंदिर में हुई चोरी पर पुलिस नहीं कर रही मुकदमा दर्ज। चोरी के हुए बीत गए 10 दिन। ग्रामीणों ने 2 बार दी लिखित रिपोर्ट। ग्रामीणों में आक्रोश।
अलवा में खड़े टेम्पू को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस ने टेम्पू को किया बरामद। कामा में राज्य मंत्री जायदा खान ने निवास पर मनाई महात्मा गांधी जयंती। मंत्री जायदा खान ने महात्मा गांधी के जीवन पर डाला प्रकाश। सवाई माधोपुर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुआ आयोजित। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। चौक के देवली उनियाला विधानसभा के जनसेवक सीताराम पोसवाल का जन्मदिन। 36 स्थानों पर किया स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, शाहपुरा के फूलिया कला में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन, पुष्पांजलि की अध्यक्षता। डीडवाना में स्वच्छ भारत मिशन की उठ रही धज्जियां, शहर के मुख्य मार्ग पर फैली गंदगी, कचरे के ढेर से बीमारियों का खतरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, धौलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर दी गई श्रद्धांजलि, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी हुआ आयोजन। अलवर के गोविंदगढ़ में नादानी में हुआ दर्दनाक हादसा, बेटी ने खोल दी पेट्रोल की बोतल, पेट्रोल बिखरते ही लगी आग, पिता झुलसाए लाचारी। जयपुर में नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी, तीसरे दिन भी जारी रहा आमरण अनशन, मांगों को लेकर नर्सिस का सामूहिक रुख। बांसवाड़ा के बागीदौरा में कक्ष भवन का शिलान्यास, मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया शिलान्यास, जिला प्रमुख रेशम मालविया भी रहे साथ। अलवर में गांधी जयंती के अवसर पर जिला स्तर कार्यक्रम का आयोजन, कलेक्टर पुखराज सिंह समेत उच्च अधिकारी रहे मौजूद, महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों को किया मंथन। सिरोही में वाहन की टक्कर से वन्यजीव हाइना की हुई मौत, सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर, फोरलेन हाईवे की है पूरी घटना। बांदीकुई में ग्वालियर मामले पर गुर्जरों ने जताया विरोध, एसडीएम को पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। झुंझुनू के बीजे के अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल, दो घंटे टोकन हड़ताल पर जताया विरोध, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार। टोंक में अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत, कुएं के पास मिला अधेड़ का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। करौली के विभिन्न स्कूलों में मनाई गई गांधी जयंती, गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में श्रोताओं ने रखे विचार, तहसीलदार अजीत यादव समेत विद्यालय स्टाफ रहा साथ। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के किए दर्शन, हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के प्रदेश को स्वागत, चित्तौड़गढ़ में करीब 7000 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात, जनसभा में बड़ा जनसैलाब। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा प्रधानमंत्री किसान निधि के रुपए सीधे किसानों के खाते में आते हैं, किसी को भी सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा राजस्थान में कब दंगे भड़क जाएं ये कोई नहीं जानता, कहा राजस्थान में आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार। पीएम मोदी का प्रदेश की जनता से बड़ा वादा, कहा भाजपा की सरकार आने पर पूर्व सरकार की योजना रहेंगी बहाल, नहीं करेंगे योजनाएं बंद। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, हमारे राजस्थान में सिर्फ एक ही चेहरा है, हम राजस्थान में कमल के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट और राजघाट पहुंचकर अर्पित की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित किए श्रद्धासुमन। महात्मा गांधी की जयंती पर देश का नमन, पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बापू की 154वीं जयंती पर सीएम गहलोत ने भी दी श्रद्धांजलि, सचिवालय और गांधी सर्किट पर साबरमती के संत को किया नमन, युवाओं से की बापू के जीवनी पढ़ने की अपील। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर ट्वीट कर लिखा बलिदान को याद कर अर्पित की श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती आज, गोरखपुर में सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि, बापू को किया नमन।
मध्य प्रदेश चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में दिया बड़ा संकेत। जनता के सामने भावुक हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा जब मैं चला जाऊंगा तब तुम्हें याद आऊंगा, नहीं मिलेगा ऐसा भाई। पंजाब दौरे पर राहुल गांधी, गोल्डन टेम्पल में ठेका मत था, लंगर हॉल में राहुल ने धोए झूठे बर्तन। सीएम अशोक गहलोत से मिले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री आवास में हुई शिष्टाचार मुलाकात। राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, करीब 40 से 50 नामों पर हाईकमान की मोहर, सूत्रों के हवाले से खबर, तीनों केंद्रीय मंत्री भी लड़ सकते हैं चुनाव। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, कमलनाथ सिर्फ करेंगे चुनाव प्रसार। 5 अक्टूबर को जोधपुर प्रवास पर प्रधानमंत्री मोदी, जोधपुर वासियों को देंगे कई स्वागतें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष ने अध्यक्ष खड़गे से की मुलाकात, अजय माकन ने खड़गे से उनके आवास पर की मुलाकात। हरियाणा में भूकंप के हल्के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 2.6, सूचना पर सहमे लोग। बिहार सरकार ने जनगणना की रिपोर्ट की जारी, रिपोर्ट में बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27%। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी शहनवाज उर्फ शैफी उजमा को किया गिरफ्तार, एनआईए ने आतंकी पर रखा था 3 लाख रुपए का इनाम। एशियन गेम्स 2023, भारतीय महिला एथलीट विविथा रामराज ने की 400 मीटर हर्डल में नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी, लेजेंडरी पीटी तो वहीं पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बिधड़क रफ्तार में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बिधड़क।